बहुत सारा दुकान और घर। रास्ते से हमारा गांव की जर्नी स्टार्ट होता है। ये ऊपर दिख रहा है ये पहाड़ सब, ये क्रॉस करके 16 किलोमीटर ऊपर हमारा गांव आपको मिलेगा। सो बने रहे ब्लॉग पर, रास्ता दिखाते जाएंगे हम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो अभी मैं घर लौट चुका हूँ लंकू से, और यहाँ काली झरस की डैम के पास हूँ। सो मेरे को लेने भाई आ रहे हैं बाइक लेके। यहाँ से ऊपर का जर्नी आपको दिखाएंगे, हमारे गांव तक का सफ़र कैसा होता है, हमारे गांव कैसा है, आप लोग वो सब दिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहे। और ये है कालीधारा का 160 मेगावाट का डैम का प्रोजेक्ट, देख सकते हैं नीचे है। ये है हमारा गांव जाने का रास्ता भी। बहुत सारा दुकान और घर रहता था यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर बैठता था। ये देखिए, अभी यहाँ डैम की वजह से सबको हटा दिया गया है यहाँ से। ये एरिया सोना सा हो गया, मतलब जंगल सा। मतलब पहले तो यहाँ पर बहुत घर दुकान था, अभी नहीं है। चली बाइक आधे घंटे के बाद। कहाँ पसिस हो? ढिलो बाइक के बाइक लेके आ चुका है बाइक। सो हमें जाना पड़ेगा गाइस। ये मेरा छोटा भाई, उसका नाम राजकिन है। तो अभी बाइक लेके आ चुका है, हमें चलना पड़ेगा यहाँ से। रात भी हो चुका है, अभी बज चुके हैं 5। चलो गाइस, रास्ते में जाते वक्त आपको सीन भी दिखाते थे जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए सेल्फी डाला। रास्ते पे बहुत बादल छोटा छोटा पास कर। सो गाइस पहली रात हो चुका है अभी। आप लोग जो भी बाबा जी को मानते हैं, दर्शन कीजिए आप लोगों का। सो गाइस ये है सेल्फी डाले से व्यू। सो गाइस दिन में होता तो व्यू अच्छा दिख लेता, तो अभी दिन नहीं, अभी रात हो चुका है। सो मैं भी लेट हुआ क्योंकि अंकल को अकेला था, आंटी भी कालिम्पोंग चला गया था, सो इसकी वजह से लेट हुआ। सो अभी जो भी दिखाना है देख लो आप लोग सब। इसे ही कहते हैं सेल्फी डाड़ा। अगर अच्छी जगह व्यू चाहिए तो आप दिन में आ सकते हैं, मौसम चेक करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब होते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा हिल एरिया है। अभी बारिश की वजह से मौसम कभी भी ठीक नहीं होता। गाइस दर्शन कीजिए अब लोग, शिवलिंग यहाँ पर भी है। oh.
से सीन स्टार्ट होता है गाइस। ये आगे वाला जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं दिखा है जब मैं सेल्फी डालाया था, वो आप लिंक में दे दूंगा, तो आप लिंक से निकाल के आप देख सकते हो। सो गाइस ये है, दिन में आता तो अच्छा दिख जाता, अभी नहीं ऐसे काम चला लेना भाई। लौटना होगा हमें भी, अभी घर जाना पड़ेगा। सो आज का सीन मिस हो गया आप लोगों को दिखाने के लिए, अभी एक दिन आऊँगा, फिर भी मौसम साफ होते ही मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। मेरे से यहाँ से मेरा घर मतलब 2 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ से मैं जब भी मौसम साफ होगा तब आके यहाँ पर दिखाऊँगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अभी रात भी हो चुका है, अभी वीडियो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि रात के सीन अच्छे नहीं आते। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पर।